हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में बहुत ही सुंदर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे विथ डिज़ाइनर स्लीव। तो ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, ये रेयॉन फैब्रिक है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोल के इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। तो देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया। तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसका 1/4 लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इतने कपड़े को आपको 4 फोल्ड में रखना है। तो मैंने इस तरह से रख लिया है 4 फोल्ड में। और अभी हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इस तरह से लेंथ इसकी 45 इंच है। तो मैं ये पूरा ले रही हूँ। ये बनने के बाद लगभग 43 इंच की तैयार होगी। और इसके बाद हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे। तो ऊपर की साइड से पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेंगे इस तरह से, और इस लाइन से हमें निशान लगाना है। इस लाइन के ऊपर जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो अभी पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर के लिए शोल्डर का हाफ लेना है। मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ, मैंने 7 इंच पे मार्क किया। और इसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं 7 इंच लूँगी। और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो 1/4 में मैं लूँगी 10 इंच। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये मैंने 10 इंच पे मार्क किया। और इसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। तो टोटल मैंने यहाँ 12 इंच लिया हुआ है। यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं। और इसके बाद हम निशान लगाएंगे वेस्ट का। तो वेस्ट की जो लेंथ है मैं वो 14 इंच पे रखूँगी। यहाँ मैं 14 इंच पे मार्क कर देती हूँ। और हिप लेंथ के लिए मैं यहाँ 20.5 इंच ले रही हूँ। और वेस्ट के लिए भी वो वेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो 1/4 में मैं यहाँ पे ले लूँगी 9 इंच, और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन। तो टोटल मैं यहाँ पे 11 इंच लूँगी। ये मैंने 9 इंच पे मार्क किया, और प्लस इसमें 2 इंच का मार्जिन। तो टोटल मैंने 11 इंच ले लिया है। और हिप के लिए भी हिप का 1/4, जितनी भी आपकी नाप है उसका 1/4 लेना है। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेना है। टोटल मैंने 12 इंच लिया हुआ है। और इसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा निशान होगा जिस पे से हमें सिलाई लगानी है। और ये हमारा निशान होगा जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा मार्जिन सिलाई के बाद। और इसके बाद हम इसे नीचे तक सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ, तो इसलिए हम इसे नीचे इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे। अगर आपकी घेर इसमें ज़्यादा रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा 4 फोल्ड में लें। मुझे इसको स्ट्रेट रखना था इसलिए मैंने इतना ही लिया है। अब आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करते हैं। ये बैक आर्म होल होगा, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और जो फ्रंट का आर्म होल होगा उसे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ। तो बोट नेक के लिए जो नेक विड्थ है वो कम से कम 4 इंच होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 5 इंच ले सकते हैं। तो जितना भी आप लेना चाहें, मैं यहाँ पे 4 इंच लूँगी। ये मैंने 4 इंच पे मार्क किया। और नेक डीप मैं बैक के लिए 3.5 इंच लूँगी।
और फ्रंट के लिए हम यहाँ पे 4 इंच ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं। और इसके बाद हम इसे बोट नेक की शेप देंगे। तो ये हमारा बैक के लिए हो गया। फ्रंट के लिए भी हम उसी तरह से शेप देंगे। और इसके बाद हम शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप करेंगे। तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसे नीचे तक स्ट्रेट कट कर लेंगे। और अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे बैक का, और फिर से हम इसी तरह से रख लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। और इसके बाद हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। और स्लीव की हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे ये 12 इंच आ रही है। मेरे पास इतना ही कपड़ा था तो मैं इतना रख रही हूँ। आप चाहें तो इससे बढ़ा के रख सकते हैं। और इसके बाद हम स्लीव विड्थ का निशान लगाएंगे। तो विड्थ इसकी जितनी भी आपने आर्म होल की कटिंग की थी उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ भी हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। और अभी हम नीचे से 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। इसके बाद हम स्लीव राउंड का निशान लगाएंगे। तो स्लीव राउंड मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं और सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई। इसे हम खोल लेंगे और जो फ्रंट साइड की स्लीव होगी उसमें हम 1/2 इंच अंदर से कट करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है और ये मैंने नेक के शेप की स्ट्रिप ले ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे स्ट्रिप को इस तरह से बिल्कुल बराबर से। और इसमें हम नेक के शेप की सिलाई लगाएंगे। और ठीक इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी रेडी करेंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, इसे भी हम सीधी साइड से रखेंगे। और हमने नेक के शेप की स्ट्रिप कट की है, इसके लिए भी उसे हम इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और नेक के शेप में इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखते हुए, इसमें खींचना नहीं है हमें स्ट्रिप को या कपड़े को, बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा के स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लेंगे।
तो देखिए स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है और इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे इस तरह से। और कट्स बनाने के बाद हम स्ट्रिप को अंदर की साइड पलट लेंगे इस तरह से, टू फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को पलट लेंगे हम। और इसके बाद हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे और इसी तरह से बैक के पार्ट को भी, इसमें भी हम कट्स बना लेंगे और स्ट्रिप को अंदर की साइड पलट के इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये नेक तैयार कर ली है, इसमें टॉप स्टिच लगा ली है इस तरह से। मैंने बैक का पार्ट भी रेडी कर लिया है और अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और इसके शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके बाद हम स्लीव तैयार करते हैं। तो ये हमारा स्लीव है, अभी हम एक स्लीव ले लेते हैं और इसके एज को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव में हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों एज पे इसके सिलाई लगा ली है और अभी हम स्लीव पे पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से स्लीव को हम फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पे हम एक निशान बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर पे एक निशान बना लिया और इसके बाद हम एक स्ट्रिप लेंगे। ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, विड्थ इसकी मैंने 4 इंच ली हुई है और अभी स्ट्रिप को दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने स्ट्रिप फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से और इसके भी सेंटर में मैंने एक मार्क कर लिया है। और अब इस तरह से दोनों सेंटर मिलाते हुए नीचे का जो हमने फोल्ड किया हुआ है उसे हम स्ट्रिप के साथ नहीं रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए इस पर हमें बिल्कुल लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। तो अभी हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं दोनों साइड से। और लाइन के ऊपर बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल हमने लाइन के ऊपर सिलाई लगा ली है और अभी इस लाइन से 1/2 इंच एक साइड हम एक मार्क लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और दूसरी तरफ भी हम उस लाइन के जो हमने सिलाई लगाई थी 1/2 इंच छोड़ते हुए एक लाइन और बनाएंगे इस तरह से। और इन दोनों लाइंस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों लाइंस पे सिलाई लगा ली है और अभी हमने ये डोरी बना ली है। तो पिन की हेल्प से हम इसे इसके अंदर डालेंगे नीचे से होते हुए हम इसे ले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं स्ट्रिप का और इस तरह से ले जाके इसे हम दूसरी साइड भी क्रॉस कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल नीचे तक हम इसे पास कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव रेडी है। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। तो स्लीव हमारी रेडी है और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे।
और इसके बाद हम इसे अटैच कर लेते हैं कुर्ती के साथ। तो हम इसे सीधी साइड से रखेंगे। और स्लीव को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और इसके सेंटर मिलाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों स्लीव इसकी अटैच कर ली हैं। और अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे उल्टी साइड से रख लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर निशान बना दिया है फिटिंग का, और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने हिप का निशान बनाया था। तो यहाँ से लेके ऊपर स्लीव तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अभी हम इसके स्लिट बनाएंगे। तो इस तरह से दो बार फोल्ड करते हुए इसे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी स्लिट बना लेंगे और नीचे से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लिट बना ली है इसकी। कुर्ती हमारी रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।